ये मेरे पास जो है मारुति कंपनी का इको गाड़ी है। इसका जो कांच है जो हमारा सेकंड गेट का, तो वो उसका जो कहना चाहिए जो कैंची है वो बार बार स्लिप होता है। तो मैं आपको दिखा दूं, तो मैंने जो है इसका गेट जो है ओपन कर लिया है, और इसका पैड, ये पैड भी हमने ओपन कर लिया है। तो मेरे साथ जो है ये 3 बार हो गया दोस्त। इसका जो कैंची है कांच चढ़ाने वाला, वो इस तरीके से टूट जाता है। इसमें जो है वायर वाला सिस्टम है ये, तो ये टूटता का ही है ऐसे जो है, और ये महंगा भी आता है, 800-800 रुपये का आया है ये। तो ये टूटता का ही है इसमें जो है, एक मैंने ये जो है कंपनी वालों जो है यहाँ पे एक यहाँ पे लॉक दिए हैं। तो ये काम कैसे करता है, जब हम जो है कहना चाहिए कांच को जब हम उतारते हैं, तो ये लॉक जो है इस जगह पे फंस गया ये। अब हम जब उतार रहे हैं तो भाई इसमें कोई नया बंदा बैठा है, तो वो करता क्या है, इसको जो है घुमा देता है, वो वापस जैसा घूम रहा है वैसे घुमाता रहता है, जैसे टाइट होता है। तो उससे क्या होता है, ये जो रोटर है, यहाँ पे एक रोटर है, ये रोटर जो है स्लिप हो जाता है, यहाँ जो घुमाने का ये जो हैंडल लगा हुआ है ये स्लिप हो जाता है। तो इससे जो है हमेशा ऐसे जो है हमेशा के लिए आउट करने के लिए हम एक जुगाड़ इसमें आज हम ढूंढे हैं, क्योंकि हम परेशान हो गए इसमें। देखना आप, ये जो है चढ़ाते समय ये दिक्कत नहीं आती, जैसे ये कांच चढ़ रहा है इसका, ये कांच चढ़ गया। जब हम ऐसे जो है उतारेंगे तो ये लॉक जो है कहाँ पे फंसेगा, ये यहाँ पे, और ये हो गया लॉक। अब हम ऐसे जो है इसी दिशा में घुमाएंगे तो ये जो है यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, और दूसरी चीज ये जो है खराब हो जाएगा। अब ऐसे क्या करना होगा, फिर से इसका कांच को जो है हमें वापस ऐसे चढ़ाना होगा। ऐसा चढ़ाएंगे, देख पा रहे हैं ये जो चढ़ा ये, और ऐसे जो है हम आप ऐसे वापस उतारेंगे, तब ये जो है वापस पूरा उतरेगा, ये जो कांच है वापस उतरेगा। और चढ़ाते समय जो है इसमें ये लॉक जो है काम नहीं करता ये, जैसे कि आपके पास ये गाड़ी होगी तो आपको पता होगा ये। अब ये जो चढ़ाते समय पूरा कांच जो चढ़ गया, जब हम उसे उतारेंगे नीचे तो ये फिर से ऐसा फंस जा रहा है, इस तरीके से फंस जा रहा है। और वापस हम एक बार ऐसे फिर से घुमाएंगे, जैसे ये चढ़ा पूरा, और जब हम ऐसे उतार रहे हैं ऐसा, तो ये फंस गया। एक बार मैं अच्छे से दिखा दूं, जैसा ये कांच जो है, कांच है ऐसे हम जब उतार रहे हैं नीचे कर रहे हैं इसे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये घुमा रहा हूँ मैं, और ये जो है यहाँ पे लॉक फंस गया ये। अब हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये स्लिप हो जाएगा, तो इसको वापस क्या करना होता है, फिर से वापस हमें चढ़ाना होता है और फिर इसे उतारना पड़ता है, तब ये कांच जो है उतरती है। तो फिर ये हाफ में जो है यहाँ पे रुक जाता है हाफ में। तो इसके लिए करना क्या है, ये हमने जुगाड़ वो किया है यहाँ पे, ये ग्राइंडर है। अब ये ग्राइंडर के मदद से जो है हम हमेशा के लिए इससे जो है छुटकारा पाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है इसको काटेंगे, ऐसे लॉक कर लिया हूँ मैं। अब ऐसे जो काटने में ये कट चुका है, अब हम ऐसे जो है पेंचिस से जो है हम ऐसे निकाल देंगे। ऐसे जो हम तोड़ देंगे इसे, इस तरीके से ये टूट गया है। अब ये जो लॉक है ये कभी काम नहीं करेगा ये। अब आप जो है हमेशा ऐसे उतार लेंगे ऐसा, और फिर से इसे आप चढ़ा लेंगे इस तरीके से, पूरा कांच जो है आप चढ़ा सकते हैं और फिर से ऐसे वापस उतार सकते हैं। तो ये दिक्कत अब खत्म हो गई है।
देखते हैं आप सेकंड गेट को भी इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हम जो है काफ़ी समय से इसमें जो है परेशान हो रहे थे और आज हमने अपनी दुकान पे ही ऐसे खोल कर बनाया। तो एक छोटी सी यहाँ पे जो है लॉक लगा हुआ होता है, ऐसे आपको हटा देना है ताकि इसमें जो है दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है दोस्त, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।